नमस्कार, ट्रैक्टर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका प्रमाणिक और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालें इस हफ्ते की फार्म मशीनरी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। योकोहामा ऑफ हाईवे टायर्स ने किया ट्रैक्टर ओनर्स के लिए एग्री स्टार 2R1 का लॉन्च। गोदरेज एग्रोवेट और SBI इंडियन ऑयल पाम किसानों को सशक्त बनाने के लिए हुए एकजुट। एक नई उपलब्धि के साथ KSIH ने पुणे प्लांट में 1000वां गन्ना हार्वेस्टर किया तैयार। सरकार ने 1.08 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी को दी मंजूरी। उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि न करने की घोषणा। एग्रोकेमिकल कंपनी कोरामंडल इंटरनेशनल के तिमाही मुनाफे में 15% गिरावट, बढ़ती लागत का प्रभाव। उधमपुर के किसान आधुनिक तकनीक से कर रहे हैं गेहूं की थ्रेशिंग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की कृषि ऋण ब्याज माफी योजना की शुरुआत। VST टिलर्स ट्रैक्टर्स ने 2023 में 92.37 करोड़ रुपए का किया धमाकेदार मुनाफा। कैलाश चौधरी ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था प्राप्ति के लिए नई कृषि तकनीक को दिया बढ़ावा। आइए रुक करते हैं अब खबरों का विस्तार से। योकोहामा ऑफ हाईवे टायर्स ने एग्री स्टार 2R1 का अनावरण किया। यह एक नए रेडियल टायर है जो स्ट्रेटिफाइड लेयर टेक्नोलॉजी पर आधारित है एवं आधुनिक ट्रैक्टर मालिकों की बढ़ती मांगों को पूरा करेगा। योकोहामा ऑफ हाईवे टायर्स में APAC के अध्यक्ष हरिंदर सिंह ने टायर के विकास के पीछे ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। उन्होंने ये बताया कि टायर का डिजाइन किसानों की जरूरतों और कठिनाइयों को अवश्य रूप से दूर करने के लिए बनाया गया है। गोदरेज एग्रोवेट के ऑयल पाम व्यवसाय ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ साझेदारी में ऑयल पाम किसानों के लिए वित्तीय पेशकश की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य फ्रेश फ्रूट बंचेस की उत्पादकता को बढ़ाना है और महत्वपूर्ण पहले 5 वर्षों के दौरान युवा बागानों के रखरखाव से सहायता करके ऑयल पाम के उत्पादन की बढ़ोतरी करना है। CNH इंडस्ट्रियल का एक प्रमुख ब्रांड KSIH ने पुणे महाराष्ट्र में स्थित अपने उन्नत मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 1000वां गन्ना हार्वेस्टर का निर्माण करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। CNH इंडस्ट्रियल ने घोषणा कर बताया कि लीडरशिप टीम की मौजूदगी में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ऑस्टॉफ गन्ना हार्वेस्टर की 1000वीं इकाई का अनावरण किया गया। यह उपलब्धि गन्ना उद्योग की जरूरतों को पूरा करने में उत्कृष्टता के प्रति KSIH की प्रतिबद्धता को उजागर करती है और बाजार में कंपनी की स्थिति को मजबूत करती है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा कर बताया कि सरकार उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि न करने का फैसला करती है। साथ ही सरकार ने यूरिया के लिए 70,000 करोड़ रुपए और DAP के लिए 38 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मंडाविया ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने आगामी खरीफ सीजन के लिए कुल 1.8 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी को भी मंजूरी दी है। हाल ही में भारतीय कृषि रसायन निर्माता कोरामंडल इंटरनेशनल के तिमाही मुनाफे में 15% गिरावट देखी गई। इसके पीछे का कारण लागत में हो रही वृद्धि को बताया जा रहा है। कोरामंडल इंटरनेशनल की सहकर्मी कंपनी UPL लिमिटेड को भी इसी तरह के झटके का सामना करना पड़ा। कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण अपने Q4 लाभ में 42% लाभ की गिरावट दर्ज की गई। ये चुनौतियां समग्र रूप से कृषि रसायन क्षेत्र के सामने आने वाली कठिनाइयों को उजागर करती है। उधमपुर जिले में कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में दूर दराज कंबल डांगा पंचायत में गेहूं किसान ट्रैक्टर थ्रेशर का लाभ उठा रहे हैं। युवा किसानों के अनुसार श्रम साध्य प्रक्रिया में काफी समय और मेहनत लगती है, लेकिन इन आधुनिक मशीनों की शुरुआत ने गेहूं की थ्रेशिंग प्रक्रिया, समय और ऊर्जा की बचत और किसानों के लिए समग्र दक्षता में वृद्धि करके महत्वपूर्ण से बदल दिया है। हालांकि कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण की सरकार की पहल के साथ कठिन कार्य अब सरल हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 का शुभारंभ किया।
इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा 31 मार्च 2023 तक 2 लाख रुपए तक के मूलधन और ब्याज सहित बकाए ऋण वाले डिफॉल्टर किसानों के ऋणों की भरपाई करेगा। कृषि उपकरणों के प्रमुख निर्माता वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि देखी। कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि और निवेश पर मार्क टू मार्केट लाभ से अन्य आय में कमी जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद कंपनी का राजस्व 17.8% बढ़कर 1,006.43 करोड़ रुपए हो गया। वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर लिमिटेड ने बाजार की कठिन परिस्थितियों से अच्छा प्रदर्शन किया है। वित्तीय वर्ष 2023 में 92 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया, जो कंपनी के लिए एक सकारात्मक परिणाम है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में और सक्षम बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। उन्होंने खेती में ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रिसिशन फार्मिंग और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए जुड़े रहे ट्रैक्टर न्यूज के साथ।